मेरे बहुत ही मोहतरम असातिज़ा अजीज तलबा व तलबात, सबसे पहले मैं मोहतरम शाहनवाज साहब जो हमारे दिल की धड़कने हैं, काफी इनका इंतजार था, आज इनके अचानक दौरे पर मैं सबसे पहले अपनी जानब से, आप बच्चों की जानब से, तमाम साजा की जानब से उनका पुरतपाक वेलकम करता हूँ। ये वो शख्सियत हैं जम्मू कश्मीर ही बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सरमाया हैं, असासा हैं, इनका एक लंबा तजर्बा है सियासत में, तालीम में, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये इसी स्कूल के तालब रहे हैं, तालब इल्म रहे हैं। इस स्कूल में बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं, उन लोगों में काउंसिल के मेंबर जनाब अली जनाब शाहनवाज चौधरी साहब, यहाँ के इस अदारे के वाइस प्रिंसिपल शाह साहब और यहाँ के तमाम मुअज़्ज़ज़ स्टाफ मेम्बरान, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे पता आप इस वक्त बोर हो चुके हैं या गर्मी में तंग भी हो रहे होंगे, क्योंकि हम भी जब बचपन में होते थे तो ये फीलिंग होती थी कि कब ये जो है खलासी हो, तकरीबन तो बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ आकर। जनाब डीडीसी साहब ने कल मुझे कॉल पे ये कॉल की और कहा कि जो है वो हमने हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी, हायर सेकेंडरी स्कूल लठूंग और हाई स्कूल मरहोट जो मेरी डीडीसी कंस्टिट्यूंसी स्कूल जाते हैं उनका दौरा किया है, जेडीयू सुरनकोट भी साथ थे। हमने जायज़ा लिया है स्कूल्स में कि स्कूल्स में क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है। जो प्रिविलेजेस, जो फैसिलिटीज़ जम्मू में, श्रीनगर में या बाकी जगहों पे बच्चों को मिलती हैं, उसके 50% भी फैसिलिटीज़ नहीं है। बच्चों को डेस्क तक नहीं है बैठने के लिए, वहाँ बिल्डिंग नहीं है, स्टाफ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वाशरूम नहीं है। तो अब मैंने जो है हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी और लठूँ, दो हायर सेकेंडरी स्कूल से बड़े जो मेरी कंस्टिट्यूंसी में, उन दोनों की बिल्डिंग्स को अप्रूव करवाया है प्लान में, और हायर सेकेंडरी स्कूल हाड़ी का जो ग्राउंड है, हाड़ी हाई स्कूल में हमने देखा कि बच्चे ज़मीनी सतह पे नीचे टाट पे बैठे हैं। मैंने वही आपसे जिक्र किया अभी कि वहाँ डेस्क की प्रॉब्लम है, स्कूल में डेस्क नहीं है अभी तक, और उसके बाद स्टाफ भी नहीं है। दोनों हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 5-5, 6-6 लेक्चरर्स की पोस्ट वैकेंट है, तो आप बताइए कि बच्चे क्या तालीम लेंगे। जब मैंने ऑलरेडी इतनी बार जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी, हायर अथॉरिटी से टेकअप किया इशू, मैं अब दोबारा जाऊँगा श्रीनगर और उनसे मिल के टेकअप करूँगा कि जल्दी से स्टाफ दिया जाए इनको। उसके अलावा वाटर की, पानी की, लठूंग हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रॉब्लम है, बहुत पानी नहीं है बच्चों को यहाँ, उसके लिए मैंने अपने प्लान से कहा है कि हम एक हैंडपम्प जो है इनको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बिल्डिंग्स दोनों जो है वो ऑलरेडी हमने प्लान में रख दी हैं, उसको अप्रूवल मिल जाएगा, वो काम हो जाएगा। और इसके अलावा जितनी डिमांड्स बच्चों ने रखी हैं आने वाले दिनों पे हायर अथॉरिटी से टेकअप करके, कोशिश रहेगी कि इन बच्चों को भी वो फैसिलिटीज़ मिलें जो इनका हक है। और जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं हम, वो क्वालिटी एजुकेशन हम तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक इनको ये फैसिलिटीज़ ना मिले।